हेलो गाइज एंड वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट। और आज हम आपको बताएंगे एनसीसी की जो स्पेशल एंट्री निकली है आर्मी में उसके बारे में, साथ ही इसमें जो वैकेंसी हैं वो युद्ध में जो शहीद हुए हैं उनके आश्रितों के लिए भी हैं। तो आइए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। जो एज है वो 21 से 27 साल मांगी गई है 1 जनवरी 2018 को। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए वो आप ग्रेजुएट हों 50% अंकों के साथ, और अगर आप फाइनल ईयर के आपने एग्जाम दिए हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने कम से कम 2 साल एनसीसी की ट्रेनिंग ली हो सीनियर विंग में और आपने सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो मिनिमम वी ग्रेड के साथ। वहीं अगर जो युद्ध में शहीद हुए हैं उनके आश्रित हैं उनके लिए ग्रेजुएट हों आप 50% मार्क्स के साथ, और आपके लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट की बाध्यता नहीं है। टोटल वैकेंसी जो है वो 54 है, जिसमें 50 है मेन के लिए और वुमेन के लिए है 4। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एडवर्टाइजमेंट 25 जुलाई 2017 को जारी हुआ था और एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 23 अगस्त 2017। जो एसएससीबी की डेट है वो बाद में डिक्लेयर की जाएंगी। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए जो मांगे गए हैं वो हाइट जो है वो मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल के लिए। जो हाइट है वो रिलैक्सेबल है 5 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स, और जो हिली एरिया के कैंडिडेट्स हैं जैसे गोरखा, नेपाली, असामीज, गढ़वालीज, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। वहीं लक्षद्वीप से जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए भी 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। वेट जो है वो हाइट के कोरिलेशन में ही होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट्स को एक अच्छे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अप्लाई करना है। वहीं अगर फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो आप जब ओटीए में जाएंगे उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें, क्योंकि वहाँ जो आपको फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाएंगी तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर कर लें तो आपको आसानी होगी। इसके लिए आप मिनिमम रनिंग जो है वो 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर की हो 15 मिनट में, और आप लगभग 13-14-15 पुशअप्स और 25 से लेकर 30 तक सेटअप, और जो चिनअप्स हैं वो आप कम से कम 6 और बाकी आपकी इच्छा है 10 करें 12 बार करें चिनअप्स, और साथ में आप रस्सी चढ़ना जो है 3 से 4 मीटर आप इसका अभ्यास करते रहें अगर आप इस फॉर्म को डाल रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इससे आपको आसानी रहेगी जब आप ओटीए में ट्रेनिंग करेंगे। आवेदन कैसे करें? जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं वो सीधे ऑनलाइन अप्लाई करें, और जो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज हैं वो ऑफलाइन आवेदन करेंगे। तो आप joinindianarmy.nic.in पर जाइए, आप वहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाइए ऑफिसर सेलेक्शन में, और वहाँ आपको फॉर्मेट मिलेगा आपके अकॉर्डिंग, और आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके भर के इसको आप भेज दीजिएगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग RTGA NCC एंट्री वेस्ट ब्लॉक 3rd RKpuram नई दिल्ली 66। आपका ये जो फॉर्म है वो 29 अगस्त 2017 तक पहुँच जाना चाहिए। डाक में हुई देरी के लिए इंडियन आर्मी जिम्मेदार नहीं होगी। अब यहाँ बात एक और महत्वपूर्ण है कि अगर आपने CDS के लिए अप्लाई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप अप्लाई कर भी दें तो आप सिर्फ एक ही SSB इंटरव्यू में भाग ले पाएंगे। तो या तो आप SSC नॉन टेक्निकल 107 कोर्स जो है एज ए CDSE कैंडिडेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर NCC स्पेशल एंट्री 43 कोर्स जिसके बारे में बात कर रहे थे उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा, और आप सिर्फ एक ही SSB इंटरव्यू में भाग ले पाएंगे। तो ये जो है आपको समझना चाहिए इस बात को, और जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपको ये डिक्लेयर करना होगा उस फॉर्मेट में। सिलेक्शन जो होगा वो SSB इंटरव्यू के थ्रू होगा, और SSB इंटरव्यू जो लिमिटेड सेंटर्स हैं वहाँ आयोजित किया जाएगा। अब बात करें अगर टेनर ऑफ एंगेजमेंट की, यानी आपकी सेवा अवधि कितने साल की होगी, तो मेल या फीमेल के लिए तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा जो कि 14 साल का होगा, 10 साल का होगा और उसको आगे 4 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट employmentpoint.com देख सकते हैं। आप joinindianarmy.nic.in वेबसाइट जो है आप वहाँ जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए, उसके बाद जब आप पूर्ण संतुष्ट हों तब आप फॉर्म भरिए। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, Google+, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की सही जानकारी सरल भाषा में। धन्यवाद।